Cody. Lord Hanuman, which is Ram Yashwardhan, will be coming here shortly. So now, the producers of the show, I'd like to call Mr. Alin Srivastava and Nisar Parvez. And concept and show writer, Mr. C.L. Sahani. You want to please round of applause. Now, Mr. Sahani, our show writer, will give a short brief on the show concept. हेलो नमस्कार. आज हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा उत्साह का दिन है. और मैं सबसे पहले शो के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक सबने हनुमान देखे होंगे बहुत सारे रूपों में. आपने बाल हनुमान देखा होगा, राम के साथ हनुमान देखा होगा. लेकिन इस शो की सबसे खूबसूरत बात यह कि आज से पहले हनुमान कभी इस रूप में हिंदुस्तान में नहीं दिखाया गया है. आज से पहले कभी भी हिंदुस्तान में हनुमान की ऐसी कहानियों की बात नहीं की गई है. तो इस शो की, इस कॉन्सेप्ट की यही खूबसूरती है कि हम लोग वो कहानियाँ देखने वाले हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है. इसलिए शो का नाम भी है कि महाबली हनुमान की अनसुनी गाथाएं. तो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा कि हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे चिरंजीवी हैं जिनको आज तक कहा जाता है कि वो संसार में आज भी रहते हैं. हनुमान भी उन्हीं में से एक है. तो ये शो का जो स्टार्ट है, शो की जो कहानी स्टार्ट होती है, तब से जब संसार में राम नहीं थे, जब संसार से राम चले गए थे, तो हनुमान यहीं पर इस संसार में रह गए थे. और उनको बड़ा दुख था इस बात का कि मेरे प्रभु श्री राम यहाँ नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पे रहूँगा, क्या होगा. तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि उसके बाद आप देखिए, तब से लेकर के राम काल से लेकर के आज तक भी राम के ऐसी सारी की सारी पुराणों में बहुत सारी जगह पर उनका एक परिचय मिलता है, उनके रहने की बात मिलती है कि वो है यहाँ पे. लेकिन हम में से कोई भी शायद ये नहीं जानता है कि हनुमान ने राम के जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, उनके बारे में क्या हुआ, उनके बारे में क्या कहानियां हुई. तो ये शो पूरा का पूरा जो है वो राम के बाद हनुमान की जो गाथा है, चाहे फिर वो त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग और आज का कलयुग. कलयुग में तो देवता की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन आपके त्रेता युग में और द्वापर युग में वो मेन रूप से वो थे. उस वक्त पे क्या नाम कैरेक्टर के रूप में भी थे, क्योंकि महाभारत में भी कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर भीम के साथ उनकी मुलाकात हुई है, कृष्ण के साथ में भी है. लेकिन आज के कलयुग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पूजे जाने वाले भगवान है वो हनुमान जी हैं. बहुत सारे मंदिर उनके बने हुए हैं. तो कॉन्सेप्ट को लेकर के हम जब बात कर रहे चैनल के साथ में, ये हमारे निसार सर हैं, अलिन सर हैं, तो इनसे बात हुई कि हम लोगों को एक ऐसा शो बनाना चाहिए जो आज से पहले हनुमान के बारे में कभी कभी देखा नहीं गया है. तो हम लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, बहुत सारे रिसर्च की गई, बहुत सारे पुराण पढ़े गए, तब जाकर के हमको लगा कि हाँ, ये एक अलग बात है जो आज की पब्लिक से पूरी तरह जुड़ती है. क्योंकि राम के साथ हनुमान को तो बहुत बार देखा गया, उनकी कहानी सबको पता है कि वो लंका गए, सब कुछ हुआ. हमने फिर देखा कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने मंदिर हैं. आप देखिए, मैं बात करूँ कि काले हनुमान की बात है जो दक्षिण में मिल जाते हैं, पंचमुखी हनुमान है, आप जानते होंगे आपके घरों में कहीं पे भी आपका कोई साउथ का घर होता है, दक्षिणमुखी घर होता है, तो घर के बाहर आप देखो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति लगाई जाती है. दूसरा, अगर मैं आपको एक जिक्र करूं, आपने बालाजी मेहंदीपुर हनुमान का बात का जिक्र किया होगा, देखा होगा आपने, जहां पर सारे प्रेत भूत पिशाच जिनकी वो सब वहां पे जाकर ठीक हो जाते हैं. तो ये सारे हनुमान के ऐसे रूप हैं जिनमें काले हनुमान है साउथ में है, और इसके अलावा अमित पूछ है, कई सारे नाम हैं उनके. मैं अगर बात करना शुरू करूँ तो 40-50 नाम निकल करके आ जाएंगे. तो इस तरह की जो कथाएं हैं कि हनुमान पूरे देश में अलग अलग नामों से अलग अलग मंदिरों में किस तरह से स्थापित हुए, उनके पीछे की क्या कहानियां हैं, और कैसे भक्तों के दुखों का उन्होंने निवारण किया, ये हमारे शो का पूरा टेक है. तो यही सब हम कहने वाले हैं. और दूसरी बात कि क्या हुआ, जो एक निकल करके आता है कि हनुमान उस टाइम पे जब राम जा रहे थे संसार से, तो संसार में कलयुग की मैं बात करता हूँ, जो हमारे अक्षय डोगरा जी ने बारे इस करेक्टर को. तो कलयुग जो है राम के जाने के बाद में क्या होता है, जब भी कोई सकारात्मक शक्ति संसार में होती है पॉजिटिव, उसको ही डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई नकारात्मक शक्ति आ जाती है. आप सभी जानते होंगे कि त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, उसके बाद कलयुग जो आज हम लोग जी रहे जिस काल में, तो कलयुग ने उस काल में ही आने की कोशिश कर दी थी शुरू. उसकी इच्छा ये थी कि वो द्वापर को लांग करके वो पहले से आ जाए,
और राम के, अब क्या है कि सत्यता संसार में स्थापित, अब कहते हैं कि राम राज स्थापित हो गया था राम के जाने के बाद में, तो कलयुग ये चाहता था कि वो संसार में स्थापित हो जाए राम के जाने के बाद में, तो द्वापर युग आए, तो कलयुग का पदार्पण हो गया, कलयुग आना चाहते थे। लेकिन कलयुग के आने का मतलब यह है कि संसार में जितनी भी धर्म की व्यवस्थाएं, जितने भी धर्म के काम स्थापित होते, उन सबको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन हनुमान को इसीलिए भगवान राम संसार में छोड़ करके गए थे कि संसार में मैंने जितनी भी स्थापनाएं की हैं धर्म की, जिन भी चीजों की, सत्यता की, रामराज की, उसकी आपको रक्षा करनी है। तो कलयुग जब आता है तो राम, हनुमान जी जो है वो राम की ध्वजा लेकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक मैं संसार में हूं तब तक कलयुग तुम्हें संसार में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये पूरा महायुद्ध है जिसमें उनके अलग अलग स्थापित हुए, और तब से लेकर के, त्रेता से लेकर के द्वापर के अंत तक, जब श्री कृष्ण भगवान जो है इस संसार से गए थे, तब तक लेकर के दो युग की मैं बात करता हूं, दो युग तक हनुमान जी ने कलयुग को संसार में प्रवेश नहीं करने दिया। और उसके बाद भी, जब इस शो के लास्ट में कभी जाएंगे, उसके बाद भी हनुमान जी ने ऐसी व्यवस्था की कि कलयुग पूरी तरह से एक चरित्र के रूप में संसार में नहीं आ पाए। उन्होंने ऐसी स्थापना कर दी कि यदि संसार में कोई धर्म के पालन करता है, कोई सत्यता की पालन करता है, वो पूजा पाठ करता है, तो कलयुग उस पर असर नहीं करते। कलयुग आज भी आप देखो कि संसार में ऐसे बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, वो सिर्फ हनुमान जी के कारण है, उन्होंने ऐसी स्थापना की। तो ये इस तरह का शो है जो हमारी पूरी पब्लिक को हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का शो देखने को मिलेगा। और बाकी से तो मैं कह ही चुका हूँ, और हमारी जो प्राजक्ता जी यहाँ पे हैं उन्होंने बहुत कमाल का इसमें रोल किया है। माई कागी का वो कैरेक्टर कर रही है, जो बच्चे हैं साथ में जितने भी सारे हैं वो हनुमान की पूरी एक पालक मंडली उसको कहा जाता है। तो इस तरह का शो सेटअप है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान में ये शो जो है सारे के सारे जितने रिकॉर्ड आज तक माइथोलॉजी के बने हैं उन सबको तोड़ेगा, और जन जन तक ये जो हमारा शो है वहाँ तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखने में काफी इन्वॉल्व हो गई थी, इसलिए आई हैड अ वेरी गुड टाइम जब मैंने ऐसे देखा तभी। हालांकि शूट करना इतना आसान नहीं होता है ये। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, दो वजह है मेरा ये शो करने की। सबसे पहले, मैंने आज तक एक भी माइथोलॉजिकल सीरियल की नहीं थी, और जितनी बार भी अलग अलग बार रामायण होने लगी, मुझे हर बार कौशल्या या कैकी ऑफर होता था, लेकिन मैं डर के मारे कभी हाँ नहीं कहती थी। जब ये शो मेरे पास आया तभी दूसरी वजह ये थी कि आज तक एक भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर मैंने काम न किया हो। सो आई वर्कड ऑन ऑल द चैनल्स पॉसिबल, जो शो चैनल्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते उस पर भी मैंने काम किया है, तो दंगल पर काम करना बाकी था। सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस शो, पहले तो मैंने हाँ कही, लेकिन उसके बाद में मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि जब भी जिसने कभी माइथोलॉजी की नहीं होती है उसे, उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये शूट करना वगैरह। तकलीफ तो होती है, लेकिन अभी देखकर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू नौशाद जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड द प्रोडक्शन हाउस इज टेकिंग सो गुड केयर ऑफ मी। आई मीन, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा कि नो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, सो आई एम डूइंग इट एंड आई एम रियली रियली एन्जॉइंग इट। और आज जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी मेहनत की सब ने, वो रियली वो वर्थ रही, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये कि मैं बहुत डेस्टिनी में भी मानती हूँ, इसलिए हनुमान जी कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो और ये स्टोरी अभी जो सुनाई वो मुझे पूरी की पूरी मालूम नहीं थी। दूसरी वजह मैं क्यों डर रही थी, क्योंकि मैं कितना भी साफ हिंदी बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब ये हिंदी बोलना होता है, यदि, शीघ्र, किंतु, परंतु, ये सब जब बोलना होता है तभी डायलॉग्स पर भी ध्यान रखना है, तो मैं इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसे इसको पूरा ले रही हूँ। एंड नाउ आई एम, आफ्टर वॉचिंग दिस पोर्शन ऑफ द एपिसोड, आई फील आई एम रियली गोइंग टू एन्जॉय डूइंग दिस शो फर्दर। सो होपफुली बहुत ही अच्छा, बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी का रोल करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, दे रियली रियली हेल्प मी आउट इन एवरीथिंग, क्योंकि ये गांव का जो सेट है उस पर शूट करना इतना आसान नहीं है। ये नॉर्मल सेट के जैसा सेट नहीं होता है, जो खुला होता है, तो यह बट एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। एंड आज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि I will keep on doing this and I'm going to enjoy myself. Thank you so much, friends. Thank you the production house, thank you Dangal Channel.
So I'm going to come on Dangal for the first time. Hopefully it will be doing so well. मेरी सारे shows मेरे बहुत ही अच्छे हुए हैं, तो दंगल का ये show भी बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी मेरी एकदम अंदर से मेरी भगवान को प्रार्थना है. So thank you so much. अंजन पुत्र राम भक्त हनुमान आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक इस संसार से राम नाम को मिटने नहीं दूंगा. इस संसार से राम भक्ति को मिटने नहीं दूंगा. मैं सदैव धर्म की रक्षा करूंगा, सत्य की रक्षा करूंगा और इस संसार के सभी प्राणियों के संकटों का हरण कर मैं बनूंगा संकट मोचन हनुमान. जय श्री राम. जय श्री राम. Okay. Ladies and gentlemen, now if you have any questions for Lord Hanuman, you're free to go. अरे कहाँ उधर मैं आसान अरे एक टेबल हटा दो ना सेंटर में कर दो टेबल हटा के सेंटर में आओ ना केवल हटा दो इधर ले लो पीछे सेंटर सेंटर आ जाइए सेंटर सर बस 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 अरे बस अरे थोड़ा करते बदल ओके 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 I am
हरी पाए Okay, so now we'll start one-on-one interactions. अरे कृष्णा 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 पीछे करो ना करूँगा ना और जो अभी कैमरा के सामने से तो हटो अरे यार अरे कैमरा था अभी ठीक है मत आ सुनो आप बस ये ठीक है कर देना बूम पर करो अच्छा एक रिक्वेस्ट है सबसे तो जल्दी कर लें बिकॉज ये बहुत हैवी होगा जल्द से जल्द कर लें बॉलीवुड को थैंक यू रॉलिंग सबसे पहले जानना चाहेंगे दंगल टीवी पे इतना अच्छा शो आ रहा है जो है जय हनुमान क्या कुछ लोगों को सीख से जुड़ी कितना मैसेज आ रहा है इससे सबसे बड़ी सीख तो ये है कि ये हनुमान जी की लाइफ है जो हम दिखा रहे हैं श्री राम के महाप्रस्थान के बाद जब वो सभी रूप उन्होंने लिए संकट मोचन वो किस प्रकार से बने सिंदूरी हनुमान बहुत जो भी उन्होंने रूप जो काले हनुमान कैसे बने तो इसमें सीखने वाला ये है कि जो कलयुग जो हमारे मेन विलन है जिस युग में हम सभी जी रहे हैं उनसे उनकी फाइट है और वो सिर्फ राम कथा के दम पर हनुमान जी निकले हैं तो सीखने वाला यही है कि राम कथा का पूरा हमने विस्तार से उसमें समझाना है ऑडियंस को और दिखाना भी मेजर हथियार ही हनुमान जी का राम कथा है तो राम कथा से तो सीखने वाली हर शब्द में एक सीख है राम कथा की तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी रामायण आ चुका है और दारा सिंह जी ने प्ले किया था हनुमान जी का रोल तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है लोग कंपेयर करेंगे उस चीज़ को आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और दारा सिंह जी से अगर कंपैरिजन हो गया तो उससे बड़ी चीज़ हो ही कह सकती है वो तो एक अचीवमेंट होगा मेरे लिए चाहूँगा कि कंपेयर कर दें लोग बट हाँ रामायण पहले बहुत सी आ चुकी हैं और सब ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है पर हम रामायण पे ये शो नहीं लेकर आए हैं इसमें श्री राम जी का प्रस्थान हो चुका है और अब जो हनुमान जी हैं वो नंदीग्राम गांव है जहाँ पे वास कर रहे हैं अब वहाँ से वो किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान बनेंगे तो ये उनकी वो जर्नी है आज की जानना चाहेंगे जो आज का आपका अटायर है कितना आसान देखने को शायद काफ़ी मुश्किल लगता हो पर कुछ खासा मुश्किल है नहीं आसान रहता बिकॉज अब तो आदत भी पड़ गई है तो इट्स ओके मैनेजेबल है मैं इस विषय में कोई कंप्लेंट्स करना नहीं चाहूँगा आज की इस जनरेशन की बात की जाए सर तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है जनरेशन को ये हनुमान जी के बारे में बताना या उनके बारे में मतलब ज्ञान देना बहुत ज़रूरी हो गया बिल्कुल अपने धर्म के बारे में सभी को पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं आप अगर माने ना माने ये हमारे जो मिथोलॉजिकल शोज़ हैं जो हम इंडियन कल्चर पे बनाते हैं श्री कृष्ण पे आता है हनुमान जी पर है श्री राम पर बनता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज्ञान बच्चों तक पहुंचता है बच्चों क्या बड़े बूढ़ों सब तक सबको ऐसी चीज़ें पता होती हैं पहले से या बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती हैं वो हमारे शो के माध्यम से उनको पता लगता है सो इट इज़ यस अ वेरी गुड बहुत अच्छी चीज़ है सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आजकल हम देखते हैं बॉलीवुड में काफ़ी वल्गर कंटेंट है काफ़ी अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे तो जय हनुमान जैसे कंटेंट आने से लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखेंगे और इससे एक अच्छी कल्चर होगा नहीं बिल्कुल हनुमान जी जैसा जो शो है एक अच्छी सीख अगर लोगों को मिलेगी लोगों के बच्चों को मिलेगी तो लोग क्यों नहीं देखेंगे
ये तो एक एड ऑन है टू द सोसाइटी, एक ना करते भी हम एक बहुत अच्छी चीज़ पेनिनसुला पिक्चर्स कर रहा है एक सोसाइटी के लिए, सो यस इट विल हेल्प। इसके पहले भी आपने बहुत से किरदार निभाए होंगे, जब आपको ये किरदार का पता चला कि आपको ये किरदार निभाना है, कैसा लाइक रिस्पॉन्स? प्लेइंग हनुमान जी, जब से अभिनय का करियर शुरू किया है तो शुरू से हमेशा ये रही है कि हनुमान जी ज़रूर प्ले करें, बिकॉज जिमिंग का शुरू से बहुत शौक था, तो पर जब ये हमारा फाइनलाइज हुआ तो इट वाज मतलब सपना साकार होने वाला काम हो गया। हनुमान जी के लिए आपने क्या क्या तैयारी की इस कैरेक्टर के लिए, आपने मतलब जब आपको दिया गया था कि ये करना है? देखिए, जब एक किरदार आपको मिलता है सबसे पहले उसके, जब भी एक किरदार आपको मिलता है सबसे पहले आप लुक्स के लिए जो होता है, सबसे पहले जो फिजिकल उनका जो होता है उस पर आप काम करते हैं, तो यह सबसे पहले मुझे ज़्यादा समय तो मिला नहीं, बट जितनी भी जल्दी हो सका तो आई गेंड अप वेट फॉर दैट, और फिर उनकी कहानियाँ पढ़ी कि किस किस तरीके से क्या क्या है। बाकी तो हम रामायण देखते ही आए हैं और श्री राम भक्त हनुमान के बारे में कौन नहीं जानता। थैंक यू, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। मैम, सबसे पहले आज इस शो के बारे में जानना चाहेंगे, जय हनुमान जी का शो आ रहा है, कितनी एक्साइटेड हैं आप इसको? बहुत एक्साइटेड तो हुई, और जब भी जितना हमने अभी देखा वो देखकर मैं भी ना ऐसे देखने में पड़ गई। आई वॉज आस्किंग एवरीबडी के मुझे देखने दो, मतलब जो खड़े होते थे उनको मैं एक्सक्यूज़ करने को कहती थी। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, शूट करती थी तभी। लेट मी टेल यू, ये शूट करना आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट, क्योंकि नंदीग्राम का जो गाँव है वो तो रियल दिखाया है, वो ग्रीन स्क्रीन पर नहीं है। तो वो हम लोग इतने अर्बन लोग और वो गांव का सेट और उसमें काम करना खुले में, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। एवरी डे आई केप्ट ऑन सेइंग कि हे भगवान, मैंने कैसे हाँ कह दी, कैसे हाँ कह दी, और आज मुझे लगता है कि ऑल द हार्ड वर्क वॉज वर्थ इट। आई नो इट इज़ सो डिफरेंट ना, मुझे जब भी पूछा ना तो मैंने बहुत मना किया था कि नहीं बाबा, मेरे से माइथोलॉजिकल सीरियल नहीं होगी, वो सब गेटअप वेटअप हो। कहते नहीं, आपके लिए गेटअप नहीं है। मैंने कहा गेटअप नहीं है? फिर मुझे जो बताया कि ऐसा है, तो मैंने कहा ये तो और भी ख़राब है। मैंने कहा इसमें तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, क्योंकि ये सब एक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही लुक का हो गया है, इनटू इन्वर्टेड कॉमा, जो लुक ऑफ द शो एंड लुक ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा इतना सिंपल, इतना प्लेन ऐसा करूँगी क्या? एक बिंदी भी नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे मुझे? तो मुझे कहते नहीं आप। और जब मैंने कपड़े देखे तो मैं थोड़ी ऐसी हो गई थी कि पता नहीं कैसी लगूंगी मैं। लेकिन आज मैं जब देख रही थी ना, तभी सडनली वो सब मुझे नहीं दिखा, सिर्फ मुझे स्टोरी और परफॉर्मेंस दिखा, और मुझे ऐसा लगा लोगों को मैं पसंद आऊँगी ऐसा। ओह रियली, मैं वही कहते हैं कि मैं साफ हिंदी बोलती हूँ, लेकिन लेकिन इसमें जैसे लेकिन नहीं बोलना है, किंतु परंतु ये सब बोलना होता है ना। तो बहुत मैं ध्यान देती हूँ अपनी लाइंस पर, क्योंकि आगे कुछ मेरे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं। तो मैंने यही कहा था कि भाई मैं कम दिखूँगी तो चलेगा, लेकिन मेरे पास जो वो अच्छे सीन्स हों। तो जो सीन्स थे, तो जब भी लाइंस देख रही थी तो मैंने बोला बाप रे, ये तो बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। सो यस इट वॉज, लेकिन मैं ना एक ऐसी एक्टर हूँ जिसने हमेशा एक स्टूडेंट बनके मैं बैठती हूँ। जब भी मैं अपने राइटर के सामने या डायरेक्टर के सामने बैठती हूँ, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि एम आई डूइंग इट राइट, मेरी नोट करेक्ट है, हमेशा मेरा ये रहा है। तो इसमें तो मैं खास पूछती हूँ कि मैंने अच्छा करेक्ट किया कि नहीं, ठीक रहा ठीक रहा, ये मैं पूछती रहती हूँ। तो यस इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट। आई नो, इतने अच्छे वाले बच्चे हैं ना, इतने दे आर सो टैलेंटेड ऑल ऑफ देम। तो मतलब वो भी इतना अच्छा करते हैं ना। तो यस इट इज़ अ प्रधान जी है, ये सब जो गांव के लोग हैं, दे आर गुड एक्टर्स यू नो ऑल ऑफ देम। तो ये नहीं है कि मतलब कुछ कोई काम नहीं है ऐसे ये कर रहे हैं ऐसा। बहुत लोग बार लोगों को ऐसा लगता है कि अरे माइथोलॉजी कर रहे हो। मैंने भी ये सोचा कि माइथो करूँ कि ना करूँ, यू नो ये सब मेरे दिमाग में भी ये सब आया था, हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी, ये सब मेरे दिमाग में आया था। हाँ कहीं ना कहीं ये सब करती रही मैं, लेकिन बाद में मैं डेस्टिनी में बहुत ही मानती हूँ, तो मे बी दिस वॉज माई डेस्टिनी टू डू दिस शो, एंड टूडे आई फील कि मैंने बहुत करेक्ट डिसीशन मेरा हुआ।
मैम पहले भी रामायण आ चुकी है, लोग काफी इंतजार करते थे उस चीज का, संडे का 9 बजे का इंतजार करते थे। वो तो मैं भी ऐसे बैठ जाती थी। कुछ कंपैरिजन होगा हनुमान जी के कैरेक्टर को लेके आपके कैरेक्टर को? नहीं नहीं, कैसा है कि ये जो स्टोरी है वो राम के जाने के बाद की स्टोरी है, तो इधर हमारे माइथुल हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सब प्लॉट स्टोरी में हो, अलग अलग नई नई स्टोरी हो जो हम सब ने नहीं जानी होती है। मैं मतलब ये लॉकडाउन के वक्त मैंने सडनली महाभारत देखना शुरू किया, यूट्यूब पर आने लगा तो आई गॉट सो हुक्ड ऑन इट। और जब मैं वो महाभारत के एपिसोड्स देखने लगी तभी मुझे जो मज़ा आया है, मैंने कहा यार ये कितना अच्छा था, इट वॉज़ सो गुड महाभारत जब मैंने देखा। तो उसी तरह से ये जो स्टोरीज़ हैं हमारी, जो काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं होती है कि राम के जाने के बाद की क्या स्टोरी थी, हनुमान जी का क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू स्टोरी फॉर जी। ये जो कलयुग का कहा, कलयुग उसी वक्त आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तो मतलब या इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मैम मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि सास भी कभी बहू थी वापस चालू होने वाला है। नहीं नहीं, वो रीरन में तो चला ना, रीरन में चल रहा है रीरन में, फेब्रुअरी से चल रहा है और सुपर हिट है उसमें भी। आई नो डोंट गिव इट, हाँ कोई मैं यू नो टुडे वाज सो शॉक्ड। मैंने वो ही सोचा कि कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ कलाकार जाते हैं। दिस बिगैन फ्रॉम लता जी, लता जी के जाने के बाद आप देखिए कितने म्यूज़िक के, कितने एक्टर्स, कितना क्या कुछ। आई जस्ट होप कि ये टाइम ख़त्म हो और यू नो ऐसा ना हो, बट यंगर लोग जा रहे हैं वो मुझे बहुत शॉकिंग लगा है। एंड कार्डियक अरेस्ट से सडनली अभी है नहीं है, इट इज़ सो शॉकिंग ना कि शॉक में और वी आर नॉट बीइंग एबल टू रिएक्ट टू इट ऑल्सो, प्रोसेस भी नहीं कर रहा है माइंड, सो आई वॉज सो टेकन अबैक। तो अभी मैं जैसे बोल रही थी वैसे हम ना इंडियंस अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अभी हमें ये तय करना होगा कि ईयरली चेकअप्स होने चाहिए, हाफ ईयर में चेकअप होना चाहिए, आपकी एज के हिसाब से आपको ये सब करना चाहिए। और दूसरा मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि हमारी लाइन बहुत इनसिक्योर लाइन है, और इसलिए जब भी काम आता है ना तो मर मर के कैसे भी करके काम ले लो और काम करते रहो, ये जो होता है नो नाउ इट शुड नॉट बी हैपनिंग। जैसे हम लोग 12 घंटे शूट करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। हम अपने मैंने इतने सालों तक मतलब मैं कोई डॉक्टर के टाइम में मैं कभी फ्री नहीं हूँ, बैंक के टाइम में फ्री नहीं हूँ, कभी कोई ऐसे टाइम में फ्री ही नहीं रही हूँ मैं। तो अब मुझे लगता है कि नो वी हैव टू टेक केयर। और मेरी डॉटर ने आज ही जैसे इनके बारे में सुना ना, हम लोग पढ़ रहे थे, एंड शी सेड यू नो आई एम सो नाउ वरीड बिकॉज आई डोंट हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माई डॉटर इज़ एन ओनली चाइल्ड, बट वी विल ऑल बी लेफ्ट अलोन इफ़ समथिंग हैपन्स टू एनी ऑफ अस। सो ये डर तो डेफिनेटली शॉकिंग है। सब फैंस को मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत सालों से बड़ों को छोटों को सबको मैंने एंटरटेन किया है, और फिर से आई हूँ दंगल चैनल पे जिस पे मैंने एक भी बार काम नहीं किया था, मैंने बाकी हर चैनल पर काम किया है। तो बस आप देखिए, और ख़ासकर हनुमान जी में आपको भी बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। सो एज अ शो आई एम एन्जॉइंग, आई एन्जॉयड इट, सो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों को भी बहुत मज़ा आएगा। माय प्लेजर। वहाँ पे सर सबसे पहले तो आपसे हनुमान श्री हनुमान जी का नया सीरियल लॉन्च हो रहा है, तो कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर? देखिए एक्साइटेड से ज़्यादा थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, और यू नो सबके लिए सिर्फ विश कर सकते हैं कि जिन लोगों ने भी काम किया है शो पे और करेंगे और करते आ रहे हैं उनके लिए जब लोग इस शो को देखें तो पसंद करें और वापस आएं और वापस देखें। सो इस वक्त तो सिर्फ मेरे मन में और मेरे दिल में बस प्रेयर्स चल रही हैं, सो आई एम होपिंग दैट एवरीबडी वॉचेज इट एंड इन्जॉयज़ द शो। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो एक टाइम पीरियड है, कलयुग जिसके बारे में लोग जानते ही हैं कि सब लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया है एंड ऑल ऑफ दैट, सो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हूँ।
आज तक किसी ने देखा नहीं है कलयुग को, कलयुग का कोई रूप नहीं है, कलयुग की कोई चित्र नहीं है, कोई किसी ने कुछ बनाया नहीं है, कलयुग बस एक वक्त है, एक समय है। सो इस टाइम पीरियड को प्ले कर रहा हूँ मैं, जो अपने समय से पहले आने की कोशिश कर रहा है और हनुमान जी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी उसी बीच में, इसी लड़ाई में, इसी युद्ध में अलग अलग कहानियाँ जो अब तक किसी ने देखी नहीं है, जिन जो मोस्टली जनता को नहीं पता है, वो राइटर्स और चैनल और प्रोडक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुली कर पाएंगे। सर लोगों की बात की जाए, अगर ऑडियंस की बात की जाए, तो पहले हम लोग देखते थे कि एवरी संडे रामायण आता था 9 बजे के टाइम पे, और रामायण जो है लोग काफ़ी शौक से देखते भी थे, और ये नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग, और भी धर्म के लोग देखते थे, हाँ। सभी देखते थे। तो आपको लगता है कि ना कहीं आज की युवा पीढ़ी जो है इस चीज़ से थोड़ी भटक सी गई है, मतलब कि थोड़ी माइथोलॉजिकल चीज़ें नहीं देखती हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भटक गए हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे हमारी कंट्री में एक चेंज आ रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। पिछले 20 सालों में इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, इतना कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, नई नई चीज़ें आ गई हैं। आप 2 सेकंड में, अब अटेंशन डेफिसिट हो गया है लोगों को, आप 2 सेकंड नहीं होता आपके पास फ़ोन, फ़ोन नहीं होता, आप फ़ोन चेक करते हैं हर किसी में, और वो सिर्फ हम यूथ में नहीं है, वो ओल्डर लोगों में भी आप देखेंगे तो आदत पड़ गई है। 60-70 की एज में भी जो लोग हैं, टीवी या कंप्यूटर या फिर फ़ोन, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हो गई हैं। सो और इतना कुछ है देखने को, इतना कुछ है देखने को, तो लोगों के पास चॉइस ज़्यादा हो गई है। उस टाइम पे हमारे पास चॉइस ही क्या होती थी, लेट 80s में और अर्ली 90s में गिन के तो कुछ चैनल्स होते थे और वही सब कंटेंट बनता था, लोग हर कोई पूरी फैमिली वही बैठ के देखती थी। अब इतनी सारी चीज़ें बन रही है, इतने सारे चैनल, इतनी सारी कहानियाँ बन रही है, जिसको जो देखना है वो देखता है। तो मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊँगा कि मतलब ओ लोग अब ये देखना बंद कर दिया लोगों ने, या ऐसे है, बस वक्त की बात है, चॉइस बहुत ज़्यादा है और लोग अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस जो कलयुग का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में अगर आपको कलयुग बना दिया जाए, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप हटाना चाहेंगे या दूर करना चाहेंगे? यार कलयुग का कैरेक्टर आउट एंड आउट नेगेटिव है। सो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने अंदर से नेगेटिविटी हटाने की कोशिश करूँ, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ मुझे ऐसी कोई पावर मिल जाए। अगर अच्छी पावर मिलती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो अच्छी पावर हम सब में, हम सब कोशिश कर सकते हैं अपने अंदर का राम जगाने की, अपने अंदर का भगवान जगाने की, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने की, और जितना कोशिश करें कि तकलीफ़ ना दे लोगों को, बस दैट्स द ओनली थिंग। रामायण की बात की जाए तो उसके सारे कैरेक्टर आइकॉनिक थे, और मतलब कि काफ़ी लोगों ने रावण को भी पसंद किया, राम को भी पसंद किया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर भी अगर लोग देखने लगे और लोग, तो आपका कैरेक्टर भी लोगों को पसंद आए? मेरी कोई उम्मीद तो नहीं है, पर अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर लोगों ने पसंद कर लिया। बट मैं कोई ऐसे उम्मीद रख के नहीं चल रहा हूँ, मैं बस अपना काम करने आया हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और ऐसा बात भी ये है कि ये कैरेक्टर ऐसा है कि आज तक कभी किसी कहानी में बताया नहीं है, किसी कहानी में सुना नहीं, नया है, हो सकता है लोग एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है लोग एक्सेप्ट कर लें, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो फिर I tried my best and that's all I can say. आपके हिसाब से क्या USP रहेगी सीरीज की? जो टैगलाइन है शो की, अनदेखी अनसुनी कहानियाँ श्री हनुमान जी की, वो टैगलाइन है, मतलब हर कोई जानता है उनके बारे में, लेकिन उनकी कुछ कहानियाँ हैं जो शायद मैं भी नहीं जानता, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और उन तक वैसी कहानियाँ पहुँचेंगी, तो ये यूनिक USP है उसकी। थैंक यू सो मच।